हाय फ्रेंड्स, टेक पानोवेंटी चैनल में आप सभी को स्वागत है। सो इन दिस वीडियो में मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ जो यूट्यूब चैनल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, वो इन दिस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, और आपको टू मेथड्स बताऊँगा। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट मेथड है यूट्यूब ऐप से आप क्रिएट कर सकते हो, एंड सेकेंड मेथड है गूगल क्रोम से भी आप क्रिएट कर सकते हो। सो फर्स्ट मेथड है फ्रेंड्स यूट्यूब ऐप से। सो साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देता हूँ फ्रेंड्स, उसमें देख सकते हो फ्रेंड्स। फर्स्ट आपको यूट्यूब ऐप में जाना है फ्रेंड्स। यूट्यूब ऐप में जाने के बाद आपको वहाँ पे ऊपर प्रोफाइल दिखता होगा आपका जो जीमेल, यहाँ से अगर आपको एक्स्ट्रा ईमेल्स है तो वहाँ पे कौन सा ईमेल से आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो वहाँ वो अकाउंट को वहाँ पे सेलेक्ट करके रखना है फ्रेंड्स। सेलेक्ट करके रखने के बाद वहाँ पे आपका प्रोफाइल पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। उसके बाद वहाँ पे नीचे में यूअर चैनल बोल के आपको ऑप्शन मिलता है फ्रेंड्स, जो यूअर चैनल ऑप्शन को ऊपर क्लिक करना है फ्रेंड्स। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे जो चैनल क्रिएटर क्रिएशन का जो पेज ओपन हो जाएगा, एंड वहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स। फर्स्ट आपको वहाँ पे प्रोफाइल पिक चेंज करना पड़ता है फ्रेंड्स। अगर आपका प्रोफाइल पिक ऑलरेडी ईमेल में अपडेट है तो वो प्रोफाइल पिक वहाँ पे दिखता है फ्रेंड्स। अगर वो प्रोफाइल पिक आप नहीं रखना चाहते हो, अगर आप चेंज करना है तो वहाँ पे क्लिक करके आपका जो खुद का फ़ोटो हो यहाँ पे लगा सकते हो, नहीं तो आपका चैनल का नेम जो रखना चाहते हो वो आर्ट बना के भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स अपडेट करने का। अगर आपके पास प्रोफाइल पिक है तो यहाँ से ऐसा चेंज करना है फ्रेंड्स। गैलरी में जाके अगर वो प्रोफाइल पिक कहाँ पे है उसको लेके अपडेट कर देना है फ्रेंड्स। मेरा यहाँ पे है इरेजर पे, ऐसा क्रॉपिंग करके आपको सेव एज प्रोफाइल पिक्चर में क्लिक करना है फ्रेंड्स। उसके बाद वो अपडेट हो जाएगा। अगर बाद में भी आप चैनल क्रिएट करने के बाद वीडियोस डालते टाइम भी आप बाद में भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हो जो यूट्यूब सेटिंग्स में जाके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे देख सकते हो नेम, आपका चैनल का नेम क्या कर रखना चाहते हो वो नेम यहाँ पे अपडेट करना है फ्रेंड्स, टाइप करना है। लेकिन एक बात याद रखना है फ्रेंड्स, जो आप चैनल का नेम रख रहा है वो यूनिक होना है फ्रेंड्स एंड सर्चेबल होना है। वो नेम के ऊपर और दूसरा चैनल्स वहाँ पे नहीं होना है फ्रेंड्स पूरा यूट्यूब में। अगर है तो जो कन्फ्यूज़न हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका चैनल अगर दूसरा का चैनल एक नेम से है तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। सो आपका नेम से और कोई भी चैनल नहीं रहना है फ्रेंड्स। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप सर्च में जाके अब जो चैनल नेम रखना चाहता हो वो नाम यहाँ पे एंटर करके सर्च करना है फ्रेंड्स। सर्च करें तो आपको वहाँ पे जो आप नेम रखना चाहते हो वो नाम पे अगर चैनल है तो वहाँ पे आपको चैनल का नेम आ जाएगा फ्रेंड्स। अगर नहीं है तो दूसरा नेम्स का नाम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स चेक करेंगे, मैं अभी सेकंड चैनल का नाम रखने वाला हूँ फ्रेंड्स, घंटी टेक ब्लॉग्स। ऐसा सर्च करेंगे, अगर इसके ऊपर अगर नेम है तो वहाँ पे चैनल आ जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन देखो मेरा फर्स्ट चैनल ही आ रहा है जो पानो घंटी नेम के ऊपर कोई भी चैनल नहीं है। सो फ्रेंड्स मेरा जो फर्स्ट चैनल है वही नाम वहाँ पे आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग रखा हूँ फ्रेंड्स, देख सकते हो पानो घंटी टेक व्लॉग्स। सो सेकंड चैनल मैं रखने वाला हूँ फ्रेंड्स ऐसा। सो ये चैनल का नेम मैं यूज़ कर सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, जो सर्च में भी मुझे किधर भी इसका प्रॉब्लम नहीं आता है। सो इसको मैं पानोवंटी टेक ब्लॉग्स ये नाम मैं रखने वाला हूँ। सो विजिबल टू ऑल यूजर्स ऑन यूट्यूब, यही आपको यूजबल होता है। मैक्सिमम 50 कैरेक्टर आप नेम रख सकते हो, लेकिन कितना शॉर्ट आपका नेम रहेगा चैनल का नेम उतना अच्छा है फ्रेंड्स। सो यहाँ से सेव कर देते हैं, एंड उसके बाद हैंडल और यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है फ्रेंड्स। जो आप चैनल नेम रखा है वही नाम विदाउट स्पेस हैंडल में आ जाता है फ्रेंड्स। ये हैंडल आपको कुछ वीडियोस अपलोड होने के बाद अगर विजिटर्स जो ज़्यादा हो गए तो आपको ये हैंडल एक्टिवेट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर ये एडिट करें तो भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हो आपका जो हैंडल नेम है वो। ये हैंडल नेम आपको youtube.com/ ये हैंडल नेम डाल के अगर सर्च करें तो आपका चैनल में डायरेक्ट आ जाएगा, इसके लिए ये यूज़ होता है। सो मैं यही रहने देता हूँ, उसके बाद क्रिएट को चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स आपका चैनल अभी क्रिएट हो जाएगा विद इन सेकेंड्स में। अभी देख सकते हो मेरा चैनल यहाँ पे है, योर चैनल को ऊपर क्लिक कर दो। अभी यहाँ से आप कुछ सेटिंग्स करना पड़ता है फ्रेंड्स, वो मैनेज को ऊपर यहाँ पे
एडिट में जगह है तो आपको मालूम होता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो फ्रेंड्स, आपका जो भी आपका बारे में अबाउट का बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। अगर यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में आपका प्रोफाइल पिक आया है, वहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ कुछ भी। अगर नहीं तो यहाँ पे देख सकते हो चैनल का आर्ट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये चैनल का आर्ट एंड प्रोफाइल पिक कैसे क्रिएट करना है मैं और एक वीडियो बनाऊँगा एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दे दूँगा फ्रेंड्स, वहाँ से जाके आप देख सकते हो उसको, नहीं तो ऊपर में आईकॉन में दे दूँगा। सो फ्रेंड्स, चैनल का जो आर्ट है, आपका प्रोफाइल पिक कितना साइज में रहना है एंड बैकग्राउंड का आर्ट कितना साइज में रहना है, वो परफेक्ट डायमेंशंस के साथ पिक्सल के साथ मैं वीडियो बना के दे दूँगा। सो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं नेक्स्ट सेकंड मेथड पे। अगर सेकंड मेथड पे आप क्रोम में जाना है फ्रेंड्स, क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे क्रोम में youtube.com यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको स्टूडियो ओपन हो जाएगा। यहाँ वो जो ऊपर में लेफ्ट साइड पे आपको वहाँ पे प्रोफाइल पिक दिखता है फ्रेंड्स, यहाँ से आपका जो अकाउंट है, किस अकाउंट से आप चैनल ओपन करना है उस अकाउंट को ऊपर क्लिक करना है फ्रेंड्स, उससे लॉगिन यहाँ पे चेंज करना है। उसके बाद आपको उसी प्रोफाइल पिक में क्लिक करना है फ्रेंड्स एंड यहाँ पे आपको दिखता है क्रिएट ये चैनल ऑप्शन का, ये क्रिएट का चैनल ऑप्शन है, इसको ऊपर आप क्लिक करना है फ्रेंड्स। अभी देख सकते हो क्लिक करने के बाद अगर आपका ईमेल के ऊपर कुछ नाम है तो वो ही नाम यहाँ पे आपको दिखता है फ्रेंड्स, उसको आप चेंज करना है। अभी देख सकते हो मैं यहाँ पे चैनल का नेम रखूँगा भानु घंटी टेक व्लॉग्स एंड हैंडल, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपडेट हो जाता है फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे आप चाहे तो पिक्चर भी यहाँ से अपलोड करके रख सकते हो, नहीं तो आप बाद में भी इसको अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे नीचे पे आपको क्रिएट चैनल के ऊपर क्लिक करना है फ्रेंड्स, यहाँ से आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा। अब देख सकते हो आपका चैनल क्रिएट हो गया एंड इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो पूरा आपका जो प्रोफाइल पिक यहाँ से भी चेंज कर सकते हो एंड कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक कर तो यहाँ से भी आपका जो चैनल का भी पूरा सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। ऐसा अगर आपको क्लिक करने से अगर पूरा ऑटोमेटिकली अगर YouTube स्टूडियो YT स्टूडियो में गए तो आप क्या करना है उसके ऊपर क्लिक करके ओपन ये न्यू टैब इन ग्रुप में क्लिक करना है फ्रेंड्स। ये भी साइड में नीचे साइड में और एक टैब ओपन हो जाता है एंड ये क्रोम में ही ओपन हो जाएगा एंड देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे अब बेसिक इन्फो पे क्लिक करके आपका जो डिस्क्रिप्शन यहाँ से ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स एंड आपका लैंग्वेज भी यहाँ से ऐड कर सकते हो एंड आपको कुछ वेबसाइट्स है, आपका फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज भी यहाँ पे नीचे ऐड लिंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ऐड करके रख सकते हो फ्रेंड्स। एंड ये पूरा ऐड करने के बाद आप व्यू चैनल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें तो आपका चैनल कैसा दिखता है ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली यूट्यूब में कैसा दिखता है ओपन हो जाता है फ्रेंड्स। एंड आपका फर्स्ट वीडियो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो फ्रेंड्स, जो अपलोड वीडियो ऑप्शन रहता है यहाँ से आपका फर्स्ट वीडियो बना के एंड उसका अच्छा थंबनेल बना के आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ऐसा ये टू मेथड से आपका चैनल क्रिएट कर सकते हो फ्रेंड्स एंड फर्स्ट मेथड इज़ वेरी इजी है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इसका चैनल ओपन करने के बाद और कुछ सेटिंग्स रहता है फ्रेंड्स, जो आर्ट जो आपका चैनल का आर्ट डिज़ाइन करने का एंड आपका प्रोफाइल पिक भी, नहीं तो आपका लोगो डिज़ाइन करने का, उसके लिए अभी मैं वीडियोस पक्का अपडेट करूंगा फ्रेंड्स। एंड वीडियो कैसा शूट करना है एंड किस में अगर आप वेरी इजीली वीडियो एडिट कर सकते हो एंड जो वीडियो का थंबनेल्स है वो इजीली कैसा बनाना है वो पूरा वीडियोस में बना के इस चैनल में अपडेट करूंगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड पहली बार मेरी वीडियो देखे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, तभी आपको मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।